नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज एक करीबी खास दोस्त अमित शाह के खास दोस्त इसलिए मैं बोल रहा क्योंकि उन्होंने मोदी और योगी दोनों को किसी भी स्तर पर नहीं बख्शा, दोनों को इस दुनिया में सबसे झूठा बताया, लेकिन अमित शाह उनको फिर से अपने साथ लेकर के दिल्ली में मुलाकात हुई, बात हुई, आपस में जो भी पैकेज था वो पैकेज फिक्स हो गया और वो फिर दोबारा दोस्त बन के वापस आ गए गठबंधन। आज उस दोस्त ने मोदी जी को बुरी तरह फंसा दिया है। इस चर्चा में फंसे कैसे हैं, फंसाया कैसे है और अंजाम क्या होगा, अशोक वानखेड़े जी आपको सब बताएंगे, लेकिन 60 सेकंड में लूंगा हुआ क्या है वो समझाने और फिर भाव आ जाए। दरअसल ओम प्रकाश राजभर नाम तो सुना ही होगा आप लोग, रोज बयान भी सुनते होंगे। ओम प्रकाश राजभर ने जिस मुख्तार अंसारी को पिछले 10 साल से और खासकर 7 साल 2017 के बाद जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, कभी भी मुख्तार अंसारी जेल में गए नहीं लिखा, गया मुख्तार अंसारी पकड़ा गया, मुख्तार अंसारी भेजा गया, मुख्तार अंसारी एक्सपोज हो गया, ऐसे ही लिखा गया 5 बार के विधायक को। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी, मुख्तार अंसारी के बारे में एक बयान आया है ओम प्रकाश राजभर यानी भाजपा के मित्र का, योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्री का जो पंचायती राज मंत्री, उन्होंने कहा है कि मुख्तार अंसारी एक क्रांतिकारी नेता थे, इस बयान पर मैं कायम हूं, और वो गरीबों के मसीहा थे। आखिर मोदी का, योगी का, अमित शाह का साथी मुख्तार अंसारी, जिसे लगातार पिछले 10 साल से बर्बाद करने के नाम पर अलग अलग मंचों से भाषण दिया गया है, योगी आदित्यनाथ तो कहते रहे क्या हालत बना दिया इन माफियाओं का, मैंने देखी है आप सब, उसे गरीबों का मसीहा बताया जा रहा है, क्रांतिकारी नेता। अब सवाल है कि क्या एक क्रांतिकारी नेता एक गरीबों के मसीहा को बर्बाद किया है 10 साल से, 7 साल से योगी आदित्यनाथ गरीबों के एक मसीहा को बर्बाद कर दिया। और इतने पर मामला नहीं रुकता है, आखिरकार मैंने कहा बेटे को बचाने के लिए फंसाया है, बेटे को बचाने के लिए कैसे फंसाया मोदी जी को, और कहां कहां भाजपा फंस गई है ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के बाद, ये समझना जरूरी है। और अब मैं अशोक वानखेड़े जी को यानी भाऊ को जोड़ रहा हूं साथ। भाऊ, मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा, मुख्तार अंसारी एक क्रांतिकारी नेता, बीजेपी अब क्या बोलेगी मुख्तार अंसारी के बारे में, दो में से एक ही सही हो सकते, योगी आदित्यनाथ जिन्होंने तबाह कर दिया, या गरीबों के नेता, क्रांतिकारी नेता, गरीबों के मसीहा। देखिए आशीष जी, हम भी कभी न्यूज लॉन्चर पे किसी गैंगस्टर या माफिया या बाहुबली को महिमा मंडित नहीं करते, लेकिन जैसे कि आपने पहले भी कुछ प्रोग्राम में कहा है कि ये माफिया 3-4 प्रकार के होते हैं। एक माफिया वो होते हैं जो अनपढ़ गवार होते हैं, पॉकेटमारी और थोड़ा सा नाम मिल जाता है, पॉलिटिकल पैट्रोनाइज मिल जाता है, तो ठेके वेके करके बड़े गुंडे एक बदनाम किस्म के लोगों की जमीन कब्जा कर लड़कियों को उठाइए सारे धंधे नंबर दो के काम करने वाले लोग होते हैं। एक माफिया होता है कि जिसके पास पैसा आता है और पैसे के बलबूते पे फिर वो व्यभिचार से लेके तमाम फिर राजनीति में भी प्रवेश करते हैं, ऐसा एक सांसद जिसके ऊपर अभी महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाया, वो उस टाइप का माफिया है। और एक माफिया वो होता है कि बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड का है, फैमिली में कोई हत्याएं होती है उसके बदले और लेने से अननोइंगली और नोइंगली, जानते हुए या नहीं जानते हुए, वो उस दुनिया में कदम रखता है, लेकिन वो उसकी इमेज जो है वो रॉबिन हुड की होती है। मैं मुख्तार को उस रॉबिन हुड वाले एक इमेज के माफिया में मानता हूँ। अच्छा पढ़ा लिखा, बहुत ऐतिहासिक परिवार से आया हुआ, बाकी ऐसे टुच्चे नहीं है कि जिनके परिवार का इतिहास ढूंढने जाओ तो ज्यादा मिलता भी नहीं, तो ऐसे में से आया है। और हिंदू मुसलमान की राजनीति कभी उन्होंने की नहीं, और हिंदू मुसलमान की अंडरवर्ल्ड में भी जो माफियागिरी भी की उसमें हिंदू मुसलमान नहीं।
अब वो क्यों हत्या की, जिसकी हत्या की वो कौन सा दूध का धुला हुआ था, ये कई सवाल यदि अंडरवर्ल्ड पे जिस दिन बात करेंगे तो मुझे लगता है 4-6 घंटे का मटेरियल आपके पास स्वयं के पास ही है उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड पर, कि यदि कई बार होता है कि यदि वो उसकी हत्या नहीं करता तो खुद की हत्या हो जाती। आप याद कीजिए बनारस में जो उसके ऊपर AK-47 से हमला हुआ था, किसने करवाया था वो हमला? या तो खुद मुख्तार तभी मर जाता या मर जाते, या फिर अपने जीवन जीने के लिए दूसरों को मारना अनिवार्य था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तब भी यूपी की बुरी थी और आज भी बुरी है। आज यदि दिल्ली यूपी पुलिस के हाथों सुरक्षित, ऐसा जिसको कोर्ट में यूपी पुलिस ने कहा कि ये सुरक्षा हम पूरी ध्यान रखते हैं, ऐसे इंसान की दो छिछोरे लड़के आके हत्या करके चले जाते अधिक की, इससे लॉ एंड ऑर्डर कितना सुदृढ़ है और कितना पुख्त है ये दिखाई देता है। क्योंकि ज्यादातर उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ का पुलिस का उपयोग हमेशा नेताओं ने अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और राजनीति करने के लिए किया। तो मुख्तार भी उसी सिस्टम का प्रोडक्ट था, अतीक भी उसी सिस्टम का प्रोडक्ट था, और वर्तमान में जो लोग अभी सांसद बने हुए हैं जिनके ऊपर घिनौने आरोप है वो भी उसी सिस्टम के प्रोडक्ट है। अब आया राजभर। मुझे एक बात तो ओम प्रकाश राजभर को मैं दाद देता हूं कि जिसकी उंगली पकड़ के आप राजनीति में आए, जिसके सामने आप बच्चे थे और जिसने आपको राजनीति में पनपवाया, जिसने आपको खाद पानी दिया आपके राजनीति, जिसने धन से लेके मन से लेके सब आपको मुहैया करवाया और आपकी राजनीति करवाई, ये मुख्तार की जरूरत भी हो सकती है, मुख्तार की मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन राजभर ने कम से कम आज मुख्तार को ये कह के कि ये मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे, और ये उसके बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की वो कम से कम अपने पुराने दिनों के याद करते हुए आज किस सत्ता में किसके साथ है उस चश्मे से न देखते हुए अपने अतीत के चश्मे से देखकर उन्होंने मुख्तार के बारे में जो शब्द कहे वो उनके विचार हो सकते हैं। अब भाजपा पे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, ये आपसे आपस में मतलब गठबंधन होना जरूरी नहीं, गठबंधन में कुछ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता है जिसके तहत गठबंधन में लोग आते हैं, लेकिन ये बात भाजपा को कब समझेगी? क्योंकि स्टालिन का बेटा जब धर्म विरोधी बात करता है या सनातन धर्म विरोधी बात करता है तो सीधा कांग्रेस से जवाब मांगा जाता है, क्योंकि स्टालिन के डीएमके कांग्रेस के साथ गठबंधन में। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में सवाल का जवाब तो आज बीजेपी को देना पड़ेगा कि आपके एक मंत्री, आपके एनडीए के गठबंधन के एक हिस्सा लोग जो है ओम प्रकाश राजभर, महत्वपूर्ण हिस्सा भाई, सीधा गृह मंत्री अमित शाह से डायरेक्ट बातचीत है जैसा आपने अभी बताया, और बड़े ओहदे पे है, पंचायती राज कोई छोटा मोटा मंत्रालय नहीं। यदि वो मंत्री बोलता है कि ये गरीबों के मसीहा थे तो फिर कैबिनेट में कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो क्या ये यूपी के कैबिनेट का वक्तव्य है? क्या एनडीए राजभर पे कोई एक्शन लेगी? यदि भाजपा ये चाहती है कि स्टालिन पे कांग्रेस एक्शन ले तो भाजपा आज राजभर पे क्या एक्शन लेगी, सवाल ये है। और हर एक की मजबूरी है, वो राजभर को पूछ भी नहीं सकते, बीजेपी की औकात नहीं है उत्तर प्रदेश में चुनाव के मौसम में राजभर से अलग हो, और राजभर की भी मजबूरी है, भले ही मजबूरी में बोला, मजबूरी ये है कि उनके बेटे स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए कितना टैंगल फंसा हुआ है, राजनीति का मक्खन खाने के लिए जनता को कितना मूर्ख बनाते हैं नेता राजनेता, इसका बेहतरीन उदाहरण मुख्तार की मृत्यु है, मैं बता रहा हूं आपको आशीष। अब मैं परत द परत देखिए आप, ये चंद्रकांता जैसे खबरों में स्टोरी में स्टोरी है। अब देखिए अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के बेटे, उनको एक ही सीट मिली ओम प्रकाश राजभर को लोकसभा में घोसी की, जहां वो चुनाव लड़ते हैं। बेटे की सीट निकालने के लिए मुख्तार को अच्छा कहना, गरीबों का मसीहा कहना ये जरूरी, और मुझे नहीं लगता यदि आप एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं तो घोसी की सीट अब मुख्तार के मृत्यु के बाद एनडीए के लिए बची रहेगी। ये दयनीय प्रयास है ओम प्रकाश राजभर का अपनी बेटी की सीट बचाने के लिए, शायद डिपॉजिट बच जाए। दूसरी बात, यदि राजभर की पार्टी एनडीए का हिस्सा है
तो मुख्तार अंसारी जी का बेटा उसी पार्टी का विधायक है और एनडीए का गठबंधन में है। बाप के मिट्टी डालने के लिए, जो अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोग जाते हैं हमारे यहां, तो हिंदू, ये कौन सा इनका हिंदू धर्म है मुझे समझ में नहीं आता। आशीष जी, कई बार मुझे डर लगता है, कई बार मुझे सोच में पड़ता हूं कि क्या वाकई योगी जी हिंदू हैं, क्या मोदी जी और अमित शाह हिंदू हैं। हिंदुत्व में मरने के बाद दुश्मनी भूल जाते हैं। जिस राम राम के नाम जप के आप चुनाव में लड़ते हो, उस रामायण का एक हिस्सा भी आपको याद होना चाहिए कि जब अंतिम क्षण गिन रहे थे रावण धरती पर पड़े हुए, तो राम ने अपने छोटे भाई अनुज लक्ष्मण को कहा कि जा, इस पृथ्वी से सबसे ज्ञाता जा रहा है उससे ज्ञान सीख, जितनी जिंदगी है जितने पल मिलते हैं उस ज्ञानी से कुछ ज्ञान लीख सीख। और जब लक्ष्मण सिराने गए और उसने कहा कि रावण कुछ बोल ही नहीं रहे, उन्होंने कहा कि अरे याचक बन के, शिष्य बन के जा रहे हो, चरणों में बैठो गुरु के। अपना शत्रु जिसने अपने पत्नी का अगवा किया हो उसको भी मरणासन्न स्थिति में माफ करने वाले राम को ये कैसे भूल गए कि 144 धारा लगाने के बाद ये कहते हैं कि उसकी मिट्टी डालने में लोग नहीं जा सकते, परमिशन नहीं है। अरे भाई, कसाब होता क्या ये पाकिस्तान से आया हुआ, जिसके नाना ब्रिगेडियर हो, जिसने खून बहाया हो देश के लिए, जिसके परदादा देश की आजादी के लिए लड़े हो, ठीक है परिवार में हो जाते हैं केसेस, तो फिर किस पे नहीं थे केसेस, तो अमित शाह पे भी थे केसेस, तो योगी गुरु आदित्यनाथ भी जी भी थे, जिनमें सजा हो गई उसमें जेल में थे। और केसेस की ही बात करें तो क्या इनके मृत्यु से सत्ता पक्ष के किसी बाहुबली को फायदा होने वाला था? क्या ब्रिजेश सिंह के खिलाफ गवाही थी, जो एक 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 केस में क्या मुख्तार अंसारी की गवाही होनी थी? वो लगातार टाली जा रही थी और मुख्तार अंसारी के गवाही पे ब्रिजेश सिंह के कई केसेस में उलटफेर हो सकता था। आज मुख्तार के मृत्यु से यदि सबसे ज्यादा फायदा किसी को हो गया तो ब्रिजेश सिंह को हो गया, क्या उस एंगल पे भी सोचना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को या इनको जो इंक्वायरी कमीशन जो घोषित हुआ है, जुडिशियली इंक्वायरी कमीशन, उसने उस एंगल से भी देखना चाहिए। सवाल यह है कि आज भाजपा का वो चेहरा सामने आ जाता है, कितना दोगले लोग है ये। यदि विपक्ष में कुछ होता है तो वो सारे कनेक्शन जोड़ते हैं, दक्षिण भारत का कनेक्शन यहां जोड़ दिया, कांग्रेस से इस्तीफा मांग रहे हैं। तो आज तो भाई यहां तो कोई दक्षिण ज्यादा दूर भी नहीं, तमिलनाडु वाला मामला ही नहीं है। आपके कैबिनेट का आपका मंत्री जो आपके पास में बैठता है, जिसका संवाद योगी जी से ज्यादा है अमित शाह जी से, योगी जी जितना अमित शाह से नहीं बात सुलभता से करते होंगे उतने राजभर करते हैं, वो आदमी यदि गरीबों का मसीहा कहता है इस पे, तो इसका बीजेपी को जवाब देना होगा। क्या मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा था? और यदि गरीबों का मसीहा था तो इस गरीब के मसीहा को किसने आशंकित किया था कि उसकी हत्या होने वाली है? वो सर्वोच्च न्यायालय में जाता है कि मुझे मेरा जेल शिफ्ट करवा दो। यदि गरीबों का मसीहा लगता है भाजपा को, तो इसका फिर जेल में सुरक्षा क्यों नहीं थी? एक सप्ताह के पहले ही जेल कैसा, जेलर कैसा बदलता है? कई सवाल हैं। मुझे गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु याद आती है कि रातों रात गाड़ी बदल गई, रातों रात नया ड्राइवर आ गया, रातों रात नया गनमैन आ गया सिक्योरिटी का। तो मैं आज भी कहता हूं कि गोपीनाथ मुंडे की हत्या हुई है।
व्यक्तिगत रूप से जानता था गोपीनाथ जी को, इतने लेचे पेचे आदमी नहीं थे कि एक ऐसा एक्सीडेंट हो जिसमें गाड़ी में डेंट भी नहीं आए, गाड़ी में डेंट नहीं आए और अंदर गोपीनाथ मुंडे मर जाए, गनमैन से लेकर ड्राइवर तक खरोच तक नहीं आए और गोपीनाथ मुंडे मर जाए, ये हो ही नहीं सकता। तो क्या ये सवाल यहां नहीं उठने चाहिए? आज तमाम अंधभक्त, एक आईएएस ऑफिसर है लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव है कि कांग्रेस को दुख हो रहा है और ये विपक्ष को दुख हो रहा है मुख्तार के मरने का। अब सिंह साहब आप जवाब दें, दुख तो राजभर को भी हो रहा है जो आपके कैबिनेट में सीने पे बैठा हुआ है, अब उसके दुख को क्या कहोगे? ये अंधभक्तों को सवाल है। मैं फिर कहता हूं कि न्यूज लॉन्चर में कतई हम कोई गैंगस्टर और कोई भी कोई बाहुबली और भ्रष्टाचार को कोई हम जगह नहीं देते, लेकिन फिर इतने जो लोग गए हैं वो एक ही धर्म से क्यों जा रहे हैं? जिसका हत्या का आरोप है चित्रांश जी, जिस राय विधायक का हत्या का आरोप है उसके हत्या इन्होंने करवाई ऐसा आरोप है, लेकिन हत्या करने वाले सारे हिंदू थे। हाँ, मुन्ना बजरंगी, मैं नाम बता दूं, मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, संजीव माहेश्वरी जीवा, हनुमान पांडे, जिस चुटिया का जिक्र होता है, एक ऑडियो वायरल हुआ था, सबने सुना कि एक जो है अब उनको वाई प्लस मिला है, जिन कथित रूप से वो ऑडियो, मैं बता दूं कथित रूप से वो ऑडियो था मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच का। वो अभय सिंह राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग किए हैं, उन्होंने भाजपा समाजवादी पार्टी से विधायक थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, अब उनको वाई प्लस सिक्योरिटी मिल चुकी है। और जो जिस चुटिया की जिक्र है, उस चुटिया काटने की बात होती है, वो चुटिया काटने का के लिए जो जिम्मेदार माना गया, जिसका नाम जुड़ा उससे, उसका नाम था हनुमान पांडे। तो हनुमान पांडे थे, राकेश पांडे थे, ये नाम थे, राकेश पांडे का था, हनुमान पांडे का था, संजीव माहेश्वरी जीवा का था, मुन्ना बजरंगी का था। तो यहाँ पर मरने वाला हिंदू था, मारने वाला हिंदू था, मारने की ऑर्डर देने वाला मुसलमान, ऐसा इनका आरोप था। नहीं, जो इसमें मैं एक चीज जोड़ दूं, जो क्रिमिनल एंगल जोड़ना चाहते, दरअसल असली चिंता का सबब यह है कि यहाँ पर गाजीपुर में या मुख्तार की मौत, इससे कम्युनल कोई एंगल नहीं, जो पोलराइजेशन वाला मामला सेट नहीं कहीं से होता है। और मैं एक पत्रकार है, हम लोग की साथी है, ममता त्रिपाठी का एक ट्वीट का मैं जिक्र कर देता हूँ आज चर्चा में। ममता त्रिपाठी ने एक ट्वीट किया है इसी कृष्णानंद राय मामले को लेकर के, कि ये भी तो कहा जाता है कि कैंट इलाके में कटनी पुल के पास से मुख्तार अंसारी की बीवी अफसा जा रही थी, जब कृष्णानंद के लोगों ने उनकी गाड़ियों के काफिले पर हमला कर दिया था, दोनों तरफ से गोलियां चली थी, कैंट थाने में FIR भी हुई थी, जौनपुर वाले भैया भी थाने पहुंचे थे, परिवार पर हमले से नाराज मुख्तार ने फिर कृष्णानंद की हत्या की प्लानिंग की। ये ट्वीट है, एक पत्रकार है, और पत्रकार वो बड़ा दबंग पत्रकार, दबंग पत्रकार अच्छे से पत्रकारिता करते हुए एक लंबा वक्त गुजर गया है ममता त्रिपाठी को, ये ट्वीट है। यहाँ पर अफसा यानी मुख्तार अंसारी की पत्नी के काफिले पर कृष्णानंद, आजकल जो ट्विटर पर चल रहा है एक तरफा कि जी ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, कृष्णानंद को मारा था, अफसा पर हमला करवाया, ये जिक्र आ गया कैंट थाने में FIR उस वक्त भी। सवाल ये नहीं है, सवाल भाव इससे आगे बढ़ कर के है कि ठीक है, मुख्तार का, मैं तो उस परिवार, जिस परिवार में मुख्तार के दादा जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1926-27 में, जवाहरलाल नेहरू से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो उस परिवार से अगर एक डायरी थी, ऐसी एक क्रिमिनल डायरी थी, वो डायरी क्लोज हो गई। मैं तो ये कहता हूँ, हम किसी माफिया अपराधी का साथ नहीं देते, वो डायरी क्लोज हो गई, एक ऐसा परिवार जिसका इतिहास स्वर्णिम था, उस इतिहास पर में अगर एक ब्लैक काली डायरी थी, डायरी क्लोज हो गई, मैं तो यहाँ कहता हूँ। लेकिन डायरी के क्लोज होने के बाद दिक्कत ये है कि भाजपा की डायरी भी क्लोज होती नजर आ रही है, बलिया, गाजीपुर, ये वही भदोही, बनारस, चंदौली, घोसी, आजमगढ़, हाँ, इन तमाम सीटों पे एक आधा डजन सीटें हैं जहां मुख्तार की मृत्यु की गूंज उठेगी।
और ये मुसलमान की नहीं है, हिंदू मतदाता भी वहां आहत है, क्योंकि मुख्तार को आप हिंदू मुसलमान में नहीं तोल सकते। जिसके जनाजे में हिंदू और मुसलमान बराबर हो, जिसकी कब्र खोदने वाले में हिंदू हो, जिसको मसीहा बोलने वाला योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट का मंत्री हो राज्यभर, हाँ राज्यभर के लिए वो मसीहा आते, तो ऐसे सैकड़ों लाखों करोड़ लोग हैं उत्तर प्रदेश में जिसके लिए वो मसीहा आते, किसी के लिए वो आतंक होंगे तो किसी के लिए, मैंने बोला ना रॉबिन हुड की जो छवि होती है वो कुछ लोगों के लिए हत्यारा है और कुछ लोगों के लिए भगवान है। रॉबिन हुड एक बाहर की स्टोरी है, लेकिन हमारे देश में भी ऐसे कई लोग मिलेंगे जो पुराने जमाने के डकैत थे कि वो बड़े रईसों के घर डकैती करते थे और गरीबों में बांटते थे, लोगों ने उसको मसीहा बना दिया। एक टंट्या भील हुआ करता था हमारे यहां, अंग्रेज उसको लुटेरा बोलते थे, लेकिन उसने एक इतिहास में आज एक स्वर्णिम अक्षरों से उसका नाम लिखा गया है महाराष्ट्र में। हर राज्य में आपको एक तासीर मिलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र से आता हूं तो वो बचपन में पढ़ी हुई कहानियां किताबों की याद है। मैं उसको मसीहा भी नहीं मानता, मैं नहीं मानता मसीहा। इस देश में कानून का राज है, यदि आपके ऊपर हमला हो गया तो आप पुलिस में जाइए, आप न्यायपालिका में जाइए। आप हमले का जवाब दिए, हमला देने लगे तो फिर न्यायपालिका की जरूरत क्या है? यदि फिर हम बार्बेरियन तरीके से तो नहीं जा रहे, आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ, फिर सभ्य समाज कहां से रह गया? वो तो मैं मानता हूं कि गलतियां हुई हैं, मैं राजभर के वक्तव्य को भी एंडोर्स नहीं करता, लेकिन राजभर के वक्तव्य पे मैं बीजेपी से जवाब जरूर चाहूंगा। हाँ। और उसके बाद एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते ये जो सीटें हैं घोसी, अब बाकी सीटों भी आऊंगा मैं। देखिए गाजीपुर भी तकलीफ में है, चंदौली तकलीफ में है, भदोही तकलीफ में है, आजमगढ़ तकलीफ में है, घोसी तकलीफ में है, और यदि मैं ये कहूं आगे जाके कि बनारस भी तकलीफ में आ सकता है, तो याद करिए 2009 का चुनाव, मोदी जी आने के पहले मुरली मनोहर जोशी बहुत बड़े ताकतवर सबसे नंबर 2-3 में आते थे बीजेपी, उसके खिलाफ मुख्तार लड़े थे जेल के अंदर से, और दोपहर 4 बजे बाद यदि संघ पूरी ताकत लगा के इज्जत नहीं बचाता था तो 17,000 जैसे छोटे मार्जिन से भी जोशी जीत नहीं पाते थे। ये तो हार रहे जोशी जी हार रहे करके सब लोगों को घर से बाहर निकाल के वोटिंग करवाई 4 बजे बाद। जो आदमी जेल में रह के चुनाव लड़ सकता है तो उसका कुछ तो मतदाता होगा, जेल में रह के क्या डराता वो, कुछ तो मतदाता होगा उसका, क्या वो भी सीट में तकलीफ है? सवाल प्रधानमंत्री हारेंगे मैं मानता ही नहीं, किसी हालत में नरेंद्र मोदी जी हार नहीं सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का मार्जिन कम होना भी शर्मसार है बात। उनका मार्जिन हर बार बढ़ाना चाहिए। जब ये आपने चर्चा कर दी इस बनारस की, तो मुरली मनोहर जोशी आज मोदी जी आज की जो 14 के बाद की आजादी कंगना रनौत जैसे लोगों ने देखा है वो मोदी जी को खाली जानते हैं, नहीं तो हम लोगों ने तो वो नारा सुना है भाजपा के 3 धरोहर अटल अडवाणी मुरली मनोहर, तो वो मुरली मनोहर थे, 17,000 जीतने में पसीने छूट गए थे। लेकिन इसके आगे एक स्टेप और इसके आगे जो फंसाया है ये ओम प्रकाश राजभर ने भाऊ, दरअसल इसकी वजह है ओम प्रकाश राजभर के लिए पिछड़ों और राजभर समाज का जो पूरी तरक्की है वो तरक्की उनके 2 बेटों के रोजगार तकसीम की है, अरुण और अरविंद, बड़े हैं अरविंद और छोटे हैं अरुण, जिनकी फोटो भी आज वायरल हो रही है मुख्तार अंसारी के बगल में
तब बच्चे से अरुण राजभर, बच्चा सा अरुण राजभर मुख्तार के बगल में बैठा हुआ, आज फोटो खूब वायरल हो रही है। तो वो अरविंद अरुण से बड़े हैं, अरविंद को घोसी से चुनाव मैदान में उतारा है। और ये जो आज दिखा है गाजीपुर में, मुख्तार के व्यक्तिगत चरित्र को आप एकदम किनारे कर दीजिए इस वक्त। हम चर्चा राजनीतिक रूप से कर रहे हैं भाऊ, और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं और दर्शकों से जोड़ता हूँ। 1985 में जब न समाजवादी पार्टी थी न बहुजन समाज पार्टी थी, 85 में पहली बार विधायक अफजाल अंसारी बने। ये परिवार कम्युनिस्टों का परिवार है। नगर पालिका के चेयरमैन ही लड़े थे मुख्तार के पिताजी। मुख्तार के पिताजी की ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी, वो खानदान ऐसा था कि कोई चुनाव ही लड़ने नहीं गया, कहा कि उनके खिलाफ क्यों चुनाव लड़ेंगे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का मतलब है उनकी बेइज्जती करना। मुख्तार के पिताजी के खिलाफ चुनाव को कोई लड़ने नहीं उतरा। तो ये परिवार ऐसा था, पूरा कम्युनिस्ट परिवार था। और दरअसल क्या होता है, जहां पर सामंती प्रथा ज्यादा मजबूत होती है वहीं पर सोशलिस्ट पैदा हो जाते हैं और मजबूत होते हैं। तो बनारस बलिया गाजीपुर वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर जितना थोड़ा सामंती प्रवृत्ति थी उसके खिलाफ सोशलिस्ट और जो कम्युनिस्ट आंदोलन था, ये परिवार उसका अगुआ था। वहां पर एक फाटक, इनके घर को फाटक बोला जाता था, फाटक, और बाद में मुख्तार की वजह से वो बड़ा फाटक लोग बोलने लगे, थोड़ा और बड़ा हो गया फाटक था। फाटक पे जिसकी बेटी की शादी हुई, बेटी की शादी हुई, पता चला कि पति ने 6 महीने बाद कहा नहीं रखूंगा, तो आदमी कहाँ जाता था। इस देश ने बहुत लोगों को, बहुत अपराधियों को भी जन्म दिया है, कई बार ये भी कह सकते हैं। लेकिन उस परिवार की, जब मुख्तार का औरा नहीं था ये अपराधी का, उस दौर में लोग फाटक पे जाते, मुख्तार के पिताजी अफजाल सिबकतुल्ला ये लोग हुआ करते थे, और फाटक पे जाके कहते थे कि हमारी बिटिया की शादी हुई थी और वो लड़का कह रहा है कि अब नहीं रखेंगे। तो यहाँ से फाटक से आदेश हो जाता था, नहीं रखोगे तो समझ लेना तू रखना पड़ेगा। तब कोई माफिया भी नहीं था इस परिवार में, लेकिन ये इसलिए जाते थे, किसी गरीब का 6 धुर 8 धुर जमीन कब्जा कर लिया, बगल में बड़ा आदमी है वो, तो वो आते थे। मतलब सामान्य जो फैसले होते थे घर परिवार के, किसी के दुख दर्द के पीड़ा के, वो फाटक पे हुआ करते थे। ये परिवार ऐसा परिवार था। आज की तारीख में अगर इस परिवार से, मैं डार्क स्पॉट इसको कहता हूँ, डार्क स्पॉट हट गया, और उसके साथ भी सहानुभूति जुड़ी हुई है, उसको ओम प्रकाश राजभर योगी के मंत्री मसीहा बता रहे हैं, ये हट गया और ये परिवार, हालांकि पूरे परिवार पर इस वक्त अनगिनत मुकदमे हैं, ये दौर है कि सब पे मुकदमे, वो गर्भावस्था से बाहर आया तो मुकदमा। लेकिन अगर ये परिवार नीट एंड क्लीन जो पॉलिटिकल परिवार था और फिर से पॉलिटिक्स में आ गया, मतलब उसी अंदाज में आ गया, तो पूरे पूर्वांचल पर क्या असर नहीं डालता दिख रहा है, जो जिस तरीके से हो रहा है। और जो डीएम वाला प्रकरण, डीएम वाला भी जरा चर्चा में लाइए कि डीएम जिस तरीके से वीडियो वायरल हो गया कि जनाजे में मिट्टी के लिए परमिशन नहीं, कैसी हो सकती। मैंने यही तो कहा, हमारे यहाँ तो मौत किसी की भी हो जाए, सबसे आपका दुश्मन भी मौत हो जाए तो लोग खंदा देते हैं। मैं उस ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ कि यदि कोई किसी की लाश जा रही हो, मतलब डेड बॉडी क्रीमेशन के लिए जा रही हो, और किसी के शॉप के सामने से जा रही हो, वो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आके खंदा देके फिर बैठ जाता है। वो हम कहते कि मौत के बाद सब समाप्त हो जाता है, हम मरने के बाद किसी की बुराई भी नहीं करते। ये मेरा धर्म मुझे सिखाता है, ये मेरा सनातन धर्म है। यदि मैं राम को मानता हूं तो फिर राम और रावण के क्या संबंध थे, और लक्ष्मण को क्या राम ने बोला था, मैं ये कैसा भूल सकता हूं। मैं शबरी के साथ राम कैसा भूल सकता हूं, केवट के साथ राम कैसा भूल सकता हूं। मैं तो आज मेरे राम यदि होते तो सबसे पहले तो ये जो राम राम कर रहे इनको ही राम राम सत्य करवा देते, दुनिया पे बाण चढ़ा चढ़ा के, क्योंकि ये राक्षसों से कम नहीं है। प्रवृत्ति रावण की है, नाम मुंह में राम है, बगल में छुरी। और ये मैं व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं। कौन सा राम का आपने एक वचनी राम था आप, या बहुवचनी है, रोज झूठ बोलते हैं। 144 तू लगाई, क्या दंगे होने वाले थे, क्या दंगे होने वाले थे। जो गलती कांग्रेस के गृह मंत्री शिंदे ने की थी, और उस समय मैं भी आशीष, मतलब मुझे इस बात का गर्व है कि मैं बहुत बुरी, मैं पहला था कि जिसने टेलीविजन चैनल, तब तो यूट्यूब नहीं थे, जब कसाब को फांसी दी,
तब मैं पहला व्यक्ति था कि सरकार को सवाल पूछने वाला, क्यों छुपा छुपा के ले गए कसाब को? क्या मुंबई से पुणे तक कसाब जाने में आपको लगता था कि पाकिस्तान हमला करके उसको छुड़वा लेगा? क्या हमारी फौजों पे अपमान करते हो आप, देश की सुरक्षा पे? एक बार वो गलती से हमला कर गए तो क्या इसके बाद सारी सीमाएं हमारी खुली छोड़ दी है? फिर उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे दंगे हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं। तब मैंने सुशील कुमार शिंदे को सवाल पूछा था, शिंदे जी आप गृह मंत्री, ये बताइए कसाब को तो जिंदा पकड़ा आपने, बाकी हमलावर तो मार गिराए थे, इस देश के किस मुसलमान के संगठन ने अपना कब्रिस्तान उनके लिए दिया? आशीष जी ताजुब लगेगा, महाराष्ट्र में एक कब्रिस्तान उन पाकिस्तानी आतंकियों के लिए दरवाजे खोलने को तैयार नहीं था। सरकार जिसको भी पूछती थी बोलते आतंकी, पाकिस्तानी आतंकियों को हमारे कब्रिस्तान में भी जगह नहीं है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक अनडिस्क्लोज जगह पे उनका दफनाना पड़ा। तो इस देश का मुसलमान पे सवाल मत उठाओ। जो पाकिस्तान जाना थे चले गए, जो नहीं गए उन्हें इतना उत्पीड़ित मत करो कि उनकी पीढ़ियों को लगेगा कि हमारे पूर्वजों ने गलती की। ये देश गंगा जमुना संस्कृति वाला है, मात्र गंगा साफ करने से काम नहीं होगा, मन में जो आपकी गंदगी है ना उसको सफाई करनी होगी। सबको साथ सबका विकास बात करते हो और आप सिलेक्टेड लोग चुन चुन के लाते हो। एक तो मैं आशीष जी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इसी चुनाव के दरमियान एक शो तो आप ये करिए कि कितने गैंगस्टर अभी यूपी में घूम रहे हैं, कितने गैंगस्टर है जिनके ऊपर सरकार का वधस्त है। क्या आप गैंगस्टर भी हिंदू मुसलमान होने लगे? आतंकी आतंकी होता है, गैंगस्टर गैंगस्टर होता है, व्याभिचारी व्याभिचारी होता है, वो कोई धर्म और जाति का नहीं होता, वो मानसिक विकृति का एक रिजल्ट होता है। अतिक अहमद की, मतलब अतिक छोड़ो, मुख्तार की मृत्यु हो गई, एक अच्छे परिवार था, बड़ा नाम जैसा आपने कहा कि उनके पिताजी के खिलाफ कोई चुनाव डर के मारे नहीं, तब तो कोई बाहुबली था ही नहीं परिवार में, इज्जत की वजह से। तो उसके जनाजे में लोग चले भी जाते मट्टी में तो क्या होता, इतना डर क्यों योगी आदित्यनाथ को, भाजपा को इतना डर क्यों? सवाल ये है, 144 लगा दिया आपने, क्या वाकई कुछ काला हुआ है क्या, मन में चोर है क्या? सवाल ये भी उठता है, जिसको जाना जनाजे में जाता मिट्टी दे के आता, और उसने सही कहा कि किस दुनिया में कहां आता है मिट्टी देने के लिए परमिशन। नहीं, अगर अगर परमिशन लगे तो बड़ा सवाल है कि 144 में चार आदमी से ज्यादा नहीं इकट्ठा हो सकते, तो गाजीपुर में आज जितनी मृत्यु हुई होगी पिछले 48 घंटे में सबने परमिशन लिया, चार आदमी तो हम लोगों के यहाँ भी कंधे लग देने के लिए जरूरत होती है, चार कंधे देने वाले होते हैं। अरे मटका लेके भी सामने कोई चलेगा भैया, पीछे कंधे रखने के लिए, पीछे राम नाम सत्य बोलने के लिए तीन चार तो लोग चाहिए। चार कंधा देते हैं, एक लेकर के घड़ा चलता है जो जिसे भी मुखाग्नि देनी होती है, बहुत सारे रिचुअल्स हैं। और हम अपने हिंदुत्व की बात करें तो सब लोग तो डीएम साहिबा के यहाँ जाएं परमिशन की, हमारे यहाँ मौत हुई है परमिशन दीजिए कि अंतिम संस्कार कर ले। अद्भुत है दौर, ये अद्भुत है। आपने कहा, मैं एक प्रोग्राम में चर्चा कर चुका हूँ, चलते चलते जरूर जो भी हमें लगता है कि हाँ इस दौर में साहस कर रहा है या दुस्साहस कर रहा है, इसका जिक्र हम लोग बिल्कुल खुले दिल से करते हैं क्योंकि ये पत्रकारों का मंच है। राजीव रंजन एक पत्रकार है, उनका कार्यक्रम बड़ा देश भर में फेमस होता है, वो माहौल क्या है, एक क्लिप वायरल हो रही है भाव, इसलिए आज राजीव रंजन की तारीफ बनती है। राजीव रंजन से एंकर ने कहा कि भाई योगी जी कह रहे हैं कि सारे माफियाओं का अंत हो गया, तो क्या अंत हो गया, सब माफिया खत्म हो गए? राजीव रंजन ने छोटा सा जवाब दिया लेकिन जबरदस्त जवाब, कहा कि हाँ भाजपा के विरोधी माफियाओं का अंत, अब माफिया भी, ये बड़ा बहुत बड़ी बात कही कि माफिया भी भाजपा के समर्थक और भाजपा के समर्थक विरोधी हो गए हैं।
तो भाजपा की विरोधी माफियाओं का भ्रष्टाचारी और व्याभिचारी तो हम मानते हैं, सैकड़ों है, लेकिन अब माफिया भी भाजपाई और गैर भाजपाई होने लगे। बिल्कुल, ये बात करके बड़ा एक बड़ी लकीर खींची राजीव रंजन ने, और इसी के साथ हम खत्म करेंगे कि मैं बहुत पहले से मोदी मीडिया के रवैये के बाद कहता था कि अब पत्रकारिता की इज्जत अगर बचानी है तो पत्रकारों का एक पॉलिटिकल विंग हो जाना चाहिए कि कांग्रेस का जर्नलिस्ट विंग, भाजपा का जर्नलिस्ट विंग, सीधा सीधा लिख दो, क्या दिक्कत है, कम से कम इज्जत बचेगी। तो अब उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब बीजेपी का करप्ट विंग, करप्ट विंग, बीजेपी का माफिया विंग, ये सब भी हो जाना चाहिए। व्याभिचारी विंग, ये तो इसमें तो बड़े सारे नाम होंगे, इसमें तो ज्वाइनिंग में मुझे लगता है लाइन लगानी पड़ेगी, वेटिंग लिस्ट चलेगी इस वाले में। तो बीजेपी का करप्ट विंग, बीजेपी का व्याभिचारी विंग, बीजेपी का माफिया विंग, या हर पार्टी के लिए बन जाए, केवल बीजेपी नहीं कर रहा हूं, हर पार्टी ऐसा विंग बना ले, कम से कम साफ रहे, किसी को कंफ्यूजन ना हो, किसी को कंफ्यूजन ना हो, हम लोगों को भी ना हो, आम जनता को भी ना हो। मान लिया आया ब्रजेश सिंह नाम आया, आदमी क्लियर हो कि सरकार किसकी है, अच्छा इनकी सरकार है, ये किस वाले विंग में, किस पार्टी के विंग में है, अच्छा इस पार्टी के विंग में, अच्छा चलो ठीक है, कीप डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस जो है तो हैंडल विद केयर, तो सब आदमी तुरंत अपने दिमाग में कोटेशन याद कर लेगा। फिलहाल इस चर्चा को आज यहीं पर रोकते हैं। राजभर साहब का जवाब योगी जी देंगे, मोदी जी देंगे, अमित शाह देंगे, या हमेशा की तरह जो जरूरी सवाल होते हैं उन पर सन्नाटा कायम रहेगा, इंतजार करेंगे, लेकिन नुकसान तो तय है। आज की चर्चा में इतना ही, आप न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, और कल दोपहर में फिर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े भाव के साथ जरूर देखिएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।